What's up guys, this is Dave. Welcome back to Bitbull. So recently, Indian government and central bank discussing crypto policies internally. Like Indian government and central bank discussing, it sounds like you and me discussing about Denny Daniels and Sunny Leone. मुझे इससे अच्छा line नहीं मिला है. Anyways, so what they are discussing internally, they all are rediscussing all those matters like 30% tax, 1% TDS, जो ये लोग already discuss कर चुका है, they are discussing all these matters again and again. क्योंकि recently जो 22,842 करोड़ का बैंकिंग स्कैम हुआ है, इसके चलते सबका रिटायरमेंट तो फिक्स हो गया है. नाउ इन लोगों के पास और कुछ काम नहीं बचा है. That is why they are rediscussing all these policies over and over again. So now let me read out the most important part of this story. So the central bank has repeatedly voiced concern regarding cryptocurrencies. Yeah, ये 2018 से चलते हुए आ रहा है. So the latest news last week, RBI Governor Shaktikant Das said that cryptocurrency is a big threat to India's macroeconomic and financial stability. So here, macroeconomic stands for their own profit, their own scams, their own oopri income. So now imagine, अगर इससे ज्यादा बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी एडप्ट हो गया है, तो डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता है बिटकॉइन को फ्रॉम बिकमिंग द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. सो डेफिनेटली कोई भी आगे जाके फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा नहीं करेगा, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस में पैसा नहीं जमा करेगा. अगर ये सब में पैसा नहीं जमा करेगा तो इन लोगों का धंधा कैसे चलेगा? डेफिनेटली इट्स अ थ्रेट टू देयर स्टेबिलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. दास ऑल्सो अर्ज्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टू कीप इन माइंड दैट दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर ओन रिस्क. He stressed cryptocurrency has no underlining, not even a tulip. So दास का जो मानना है, जो हम लोग क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, वी आर इन्वेस्टिंग ऑन आवर ओन रिस्क. हाँ, ये तो मैं भी बोलता हूँ कि इन्वेस्ट ऑन योर ओन रिस्क. कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट इज अ रिस्क. आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते जाओ. ये लोग भी बोलता है एड के एंड में कि म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल दिस थिंग. एवरीवेयर देयर इज अ रिस्क. तो क्रिप्टोकरेंसी में रिस्क कौन सा नया है? बट क्रिप्टोकरेंसी हैज नो अंडरलाइनिंग, नॉट इवन ट्यूलिप. ये लोग ट्यूलिप एंड लोटस को लेके क्यों इतना बातें करता है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. सो एनीवेज, गवर्नमेंट एंड आरबीआई साथ ही साथ सेंट्रल बैंक मिलके एक बहुत ही गंद मचा के रखा है. एंड लेट्स सी ये लोग कितना आगे तक इसको कंटिन्यू करेगा. सो यही नहीं, और सुनिए, क्रिप्टो करेंसी इज ओर्स देन पोंजी स्कीम. सो नाउ अगर किसी को पोंजी स्कीम के बारे में पता नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई इट टू ऑल of you, and I'm sure लाइफ में किसी ना किसी मूवमेंट पे हर एक बंदा किसी ना किसी पोंजी स्कीम के बारे में एटलीस्ट सुना जरूर होगा. आइदर फ्रॉम देयर कोई दोस्त या फिर कोई दूर का रिश्तेदार, उसका मौसी, उसका चाची, उसका फूफा, किसी ना किसी के मुंह से सुने होंगे कि बेटा इसमें 2-4 हजार डाल दो. फिर 2-3 दोस्त को बोलना 2-4 हजार डालने के लिए. फिर वो 2-3 दोस्त को बोलना उन लोगों के 2-3 दोस्त को बोलने के लिए 2-4 हजार डालने के लिए. तो ऐसे करके आपके अकाउंट में हर महीने 2-3% क्रेडिट होते जाएगा, विच इज द पिरामिड स्कीम. इसको ही बोलते हैं पोंजी स्कीम, चेन सिस्टम का बिजनेस, द वर्स्ट थिंग एवर. पता नहीं मेरा ये जो हर एक वीडियो का कमेंट पे कुछ जो कमेंट्स आता है ना, आई एम अर्निंग दिस मच, प्लीज फॉलो देम, प्लीज कंसल्ट विद दिस गुरु. दिस इज व्हाट पोंजी स्कीम लुक लाइक. नाउ यू टेल मी, इफ यू आर अर्निंग ह्यूज, इफ यू आर अर्निंग इनफ, क्या आप जाके कभी किसी को बोलोगे क्या इसको फॉलो करो, मुझे ये कमा के दिया है? पोंजी स्कीम होता है ये, एंड वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पोंजी स्कीम. आप बताइए, आप अगर 1 लाख रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे, क्या मेरा अकाउंट में 4,000-5,000 आने वाला है? क्या नहीं आने वाला है ना. तो आई डोंट नो हाउ दिस गवर्नर कंपेयरिंग क्रिप्टो करेंसीज विद पोंजी स्कीम. पता नहीं है ये लोग क्या फूक के सोता है. बट अगर ऐसे ही चलते गया तो डिजिटल इंडिया का जो एक सपना है वो तो सच होते रह गया. क्योंकि वी ऑल नो, वी ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस कि इंडिया का जितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, इंडिया का जितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये सारे के सारे यूएस, यूके या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में जाके बैठ जाता है. क्योंकि इंडिया में इन लोगों के लिए कुछ नहीं रखा है, बिकॉज इंडिया का गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट देयर ओन प्रॉफिट. नाउ इमेजिन, इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स, एंड नाउ गवर्नमेंट ने अगर 30% टैक्स विद 1% TDS एंड ब्ला 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 बोला, ऐड किया, तो क्या लगता है ये जितना भी इन्वेस्टर्स है, जितना भी डेवलपर्स है, ये क्या डेवलप करना या फिर इन्वेस्ट करना बंद कर देगा? हाँ, कुछ इंडिया है जो लोग बंद कर देगा, बट जिन लोगों को करना है वो लोग डेफिनेटली करेगा। एंड वो लोग आइदर यूएस में चला जाएगा, दुबई में चला जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा जहाँ पे इन लोगों को एक लिबर्टी मिलेगा टू डेवलप देयर ओन थॉट प्रोसेस, टू डेवलप देयर ओन फ्यूचर। क्योंकि इंडिया में इन लोगों को कुछ स्पेस नहीं मिलता है टू क्रिएट समथिंग ऑन देयर ओन। क्योंकि रिसेंटली इलोन मस्क ने कुछ एक ट्वीट किया था, शायद आप लोग ये ट्वीट मिस कर चुके हो, ये एक बहुत ही मीनिंगफुल ट्वीट था। द ड्यूटी ऑफ ए लीडर इज टू सर्व देयर पीपल, नॉट फॉर द पीपल टू सर्व देम। किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी लीडर का जो काम होता है, विच इज टू सर्व अस द सिटीजन, द कंट्रीजन। हम लोग देश का जो नागरिक है उसको सर्व करना किसी लीडर का काम होता है, ना ही हम लोगों का काम है उन लोगों को सर्व करना। दैट इज व्हाई दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट गवर्नमेंट ओनर। सो एनीवेज, ये सारे के सारे बातें बस बोलने का चीज है, बट वन थिंग फॉर श्योर, दिस इज अ वेरी हार्ड टाइम व्हेन वी ऑल शुड स्टिक टुगेदर। वी ऑल मीन्स वी ऑल इन्वेस्टर्स एंड डेवलपर्स शुड स्टे टुगेदर। कुछ ना कुछ आए दिन बदल जाएगा जरूर। तो एनीवेज, ये सब के चक्कर में बिटकॉइन को मत भूलना, क्योंकि बिटकॉइन किसी को नहीं भूलता है। ऑलरेडी ये अपना फिर से पंप ले चुका है। ऑलरेडी इन दिस 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से हम लोगों को सपोर्ट मिल चुका है, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग अप। बट इन दिस इमीडिएट शॉर्ट टर्म आई एम वेटिंग फॉर दिस $45,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके लिए। ये क्रॉस करते ही आई विल ओपन माई नेक्स्ट बिग ट्रेड, नियर अबाउट $2,000 का एक ट्रेड ओपन करूंगा जैसे ही ये $45,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको ओवरकम करेगा। नाउ अगर मोर टेक्निकली बातें करें तो अकॉर्डिंग टू दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रिसेंटली बिटकॉइन को जो रेजिस्टेंस लेवल मिला है अराउंड 0.618 पे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल मिला है, अगर ये ओवरकम कर गया, इससे भी तगड़ा वाला रेजिस्टेंस 0.5 जो कि $49,000 पे जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये थोड़ा सा पेन दे सकता है इन कमिंग डेज बिटकॉइन को। बट वंस वी आर ओवरकमिंग दिस $50,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको, देन वी डोंट हैव एनी अदर रेजिस्टेंस। क्योंकि आई डोंट फील एक बार $50,000 क्रॉस करने के बाद ये जो $55,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है ये बिटकॉइन के लिए उतना ज्यादा हार्ड होगा। सो मेरा हिसाब बहुत क्लियर है। मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी इधर चल रहा है। एक मैंने गलती किया था, एक ट्रेड को क्लोज करके, जो कि $500 का था, उसको क्लोज करके मैंने सबसे बड़ा गलती किया था। लेकिन रिसेंटली मैंने फिर से जब बिटकॉइन 41,500 ये ब्लू वाला सपोर्ट जोन पे टच किया था, उस टाइम मेरा ऑलरेडी और एक ट्रेड ओपन हो चुका है। तो मैं और कोई भी ट्रेड बंद नहीं करने वाला हूं। सो मेरा नेक्स्ट टारगेट 45,000 क्रॉस करने के बाद एटलीस्ट $1,000 to $2,000 का एक ट्रेड ओपन, उसके बाद फाइनली जब बिटकॉइन ये $50,000 का रेजिस्टेंस लाइन ओवर करता है, देन आई विल ओपन वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड विथ 10x लेवरेज, $5,000 का और एक ट्रेड ओपन करूंगा, एंड दैट ट्रेड आई एम गोना कंटिन्यू टिल बिटकॉइन continues upside ride. So I know I'm gonna be a millionaire by end of this session. आपको भी बनना है क्या? नहीं, ये Ponzi scheme नहीं है। Do it on your own risk. You can just copy trade me. But मेरा जो main motive है always to make all of you understand something. Then you do it on your own risk. Definitely I'll not suggest anyone to just copy trade me day after day. But again, if you want to copy trade me, first you have to open a Binance account, जिसके चलते आप अगर मेरा रेफरल लिंक यूज करना चाहते हो, यू कैन गो डाउन बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, जहां पे मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा। एंड नाउ दिस टाइम टू सब्सक्राइब दिस चैनल, टू स्टे प्रॉफिटेबल, स्टे अपडेटेड एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल टाइम। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। नाउ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एज आई सेड, दिस इज अ वेरी हार्ड टाइम व्हेन वी ऑल शुड स्टिक टुगेदर। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर। देव signing off.